केसीआर पर आइंदा 48 घंटों तक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन ने बीआरएस के सरबरा केसीआर की आइंदा 48 घंटों तक इंतखाबी मुहिम पर इम्तना आयद कर दिया है। 5 अप्रैल को सिलसिले में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसीआर ने कांग्रेस पार्टी के कायदीन के खिलाफ आहानत आमेज और काबिल एतराज अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिस पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने सख्त मजम्मत करते हुए इंतखाबी जाब्ते इखलाक के खिलाफ वर्जी करने का केसीआर पर इल्जाम आयद करते हुए इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। इलेक्शन कमीशन ने केसीआर से इस शिकायत पर वजाहत तलब की थी। केसीआर ने जो जवाब दिया था उस पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन ने केसीआर के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्हें चारशंबे की रात 8 बजे से आइंदा 48 घंटों तक लोकसभा की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 324 के तहत अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए केसीआर को अवामी जलसे, जुलूस, रैली, रोड शो, इंटरव्यूज मुनाकिद करने से रोक दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर जी निरंजन की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करते हुए ये पाबंदी आयद की। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए शमा न्यूज।